किसी भी राज्य के गवर्नर का पद एक सम्मानित पद होता है, क्योंकि गवर्नर के पद को राजनीति से हमेशा ऊपर माना जाता है। हालांकि मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक एक बड़े विवाद में घिर चुके हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 3 कृषि कानूनों की वापसी पर दिया गया एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो कह रहे हैं कि अगर सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेते तो उनका हाल इंदिरा गांधी जैसा हो जाता। ये वीडियो 8 नवंबर 2021 का है। हाल ही में सत्यपाल मलिक को ग्लोबल जाट समिट में स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया गया था। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इस दौरान कहा था कि सिख समुदाय के लोग किसी को भी नहीं भूलते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी को मारा, उन्होंने लंदन जाकर जनरल डायर को भी मारा था। सत्यपाल मलिक के इस भाषण से अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को इंदिरा गांधी जैसा हाल होने की धमकी दी। आपको बता दें कि वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों को पंजाब के गोल्डन टेंपल के भीतर घुसकर मारा था। इसके बाद इंदिरा गांधी की कुछ ही दिनों बाद उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। ट्विटर पर भी लोगों ने सैक सत्यपाल मलिक नाम से ट्रेंड चलाया है, जिसमें लोग गवर्नर सत्यपाल मलिक को अपने विवादित बयान को लेकर उन्हें गवर्नर पद से हटाए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक के दिए गए इस विवादित बयान से अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गवर्नर साहब की ऐसी भाषा ठीक है या गलत। आप उनके बयान को सुनिए और जो भी आपकी राय है कमेंट करके हमारे साथ अवश्य शेयर करें। तो उसने कहा तुझे पता नहीं है, ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। तो मैंने ये भी कहा कि इन 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 कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो। परसों के एक डिस्कशन में दो जनरल्स ने कहा है कि इस किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं के ऊपर भी पड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने कोविड-19 वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो हम आपसे अपील करेंगे कि आप वैक्सीन की डोज लें और भारत को 100% वैक्सीनेट होने में सहायता करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.